अब इस बीच एक बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है। जयपुर के श्यामनगर थाने में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एएसआई लक्ष्मी नारायण मीणा को किया ट्रैप, ये बड़ी खबर इस वक्त। 10,000 रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप किया है। मुकदमे को कमजोर करने के एवज में रिश्वत मांगी थी, घूस मांगी थी। एसीबी एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीबी एएसपी संजीव नैन ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी कार्रवाई, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई एसीबी की तरफ से की जा रही है। उसी फहरिस्त में जयपुर से खबर है, एएसआई लक्ष्मी नारायण मीणा को ट्रैप किया गया। 10,000 की घूस लेते उसको दबोचा गया है, ट्रैप किया गया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मुकदमे को कमजोर करने के एवज में घूस मांगी गई थी और एसीबी एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है और एसीबी एएसपी संजीव नैन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जयपुर के श्यामनगर थाने का यह पूरा मसला, एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। एएसआई लक्ष्मी नारायण मीणा को किया गया ट्रैप, 10,000 की घूस लेते उसको दबोचा गया। लगातार शिकायतें मिल रही थी, शिकायतों के आधार पर एसीबी ने इस दबिश को अंजाम दिया, इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लगातार आप देख रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों में एसीबी की टीम एक्टिव मोड में है, लगातार ताबड़तोड़ एक्शन मोड में एसीबी, और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जयपुर से भी ये बड़ी खबर है, जहां पर एएसआई लक्ष्मी नारायण मीणा को ट्रैप किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार तमाम शिकायतें, सूचनाएं, और उसी आधार पर एसीबी की टीम ने दबिश दी और फिर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया एएसआई को। हालांकि कहा यह जा रहा है पूछताछ हो रही है लगातार, और इससे पहले भी क्या घूस वो ले चुके हैं, ऐसे मामलों में संलिप्त हैं, इसको लेकर जानकारी और डिटेल्स आनी बाकी हैं। वो डिटेल्स आप तक हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है, वो आपको जाननी चाहिए कि 10,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। और इसी पर मेरे सहयोगी नवीन शर्मा जुड़ चुके हैं डिटेल्स के साथ। नवीन, क्या शिकायतें मिल रही थी और किस आधार पर टीम वहां पर पहुंची और फिर ये बड़ी कार्रवाई? देखिए, वाकई में आज एसीबी की प्रवेश में तीसरी बड़ी कार्रवाई है। सबसे पहले श्रीगंगानगर, उसके बाद जयपुर में पोस्को कोर्ट, और अब श्यामनगर थाने में एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और यहाँ के जो एएसआई हैं लक्ष्मी नारायण मीणा को 10,000 रुपए की घूस लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी ये 5,000 रुपए की रिश्वत ले चुके थे। मुकदमे को एक मुकदमा था, उसे कमजोर करने के एवज में इन्होंने रिश्वत की डिमांड की थी, और ये पूरी कार्रवाई है। एसीबी डीजी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। साथ ही ये पूरी कार्रवाई एएसपी संजीव नैन ने की है। लगातार एसीबी है वो बड़ी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देती जा रही है। कुछ देर पहले एसीबी ने एक पोस्को कोर्ट के अंदर कार्रवाई की थी, और उसके बाद अब ये जयपुर के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई है। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। श्यामनगर थाने में जो घूसखोर है लक्ष्मीनारायण मीणा, उससे एसीबी की पूछताछ जारी है। और बिल्कुल एसीबी की पूछताछ लगातार जारी है, आप लगातार नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। तो ये बड़ी खबर, लगातार ताबड़तोड़ एक्शन मोड में एसीबी।